उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज ये मेरा सपना पूरा हुआ। तो आप भी ये चाहते हैं कि जैसे आपके डिप्टी सीएम जो है शिक्षक हैं, तो वे भी ऐसे आप भी जो है काम करें? जी सर। परिवार के लोग खुश हैं? जी सर, सभी लोग बहुत खुश हैं, खासकर हम तो इतने खुश हैं कि बता ही नहीं सकते कि कितने खुश हैं, कि क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं शिक्षिका बन करके समाज की सेवा करूं, अपना ज्ञान बच्चों को दे सकूं। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर, ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा हैं और हस्बैंड देवर। ठीक है, तो ये लोग सब खुश हैं? जी सर। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सर कि आपने अपने कर कमलों द्वारा जो हमें ये नियुक्ति पत्र देने का सम्मान देने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी आए, अच्छा लग रहा है। कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, ये बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ है। नहीं, आपका कोई भाग सेलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ही नहीं, का नहीं हुआ होगा, वो लोग तो बोलेंगे कि साहब भेदभाव हुआ है। नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ी। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था जो की हुई है बहुत अच्छा लगा। अचानक से कल फोन आया ना कि ये खाला दिन ये होना है, फिर वो होना, ये पोर्टल खुलने वाले हैं, फिर ऑनलाइन के जरिए ही ये नियुक्ति प्रमाण पत्र। बधाई आपको जी, और आपके पूरे परिवार के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और अब इस क्रम में प्रवक्ता पद के लिए चयनित प्रयागराज से आदित्य जैन। सर्वप्रथम मैं आदित्य जैन प्रयागराज की पुण्यभूमि से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब शिक्षकों को यहां बुलाकर लोक भवन में इतना सम्मान दिया। यह सोचकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। आपका सिलेक्शन कब हुआ है? सर, मुझे मेरा इंटरव्यू 7 जुलाई को हुआ था और उसके बाद हमारा रिजल्ट 10 दिन में आ गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा अफवाहें रहती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं बताऊँ, हमारे प्रयागराज की भूमि में और जितने भी मित्र हैं, हॉस्टल के लोग हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि इस बार नियुक्तियाँ बड़ी निष्पक्ष हुई हैं। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन पोस्टिंग सर की जा रही है, कि हमें जो हमारा पोस्टिंग ऑर्डर है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, जो और लोग नहीं आ सके हैं। आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? अब तो सर ये मिलेगा पत्र, तो हमें जानकारी मिलेगी। तो सर मैं वहाँ जाएंगे भी कि फिर सिफारिश कराएंगे कि नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं? नहीं नहीं सर, मैं तो सर, मेरा नाम भी आदित्य है और मैं भी योग शिक्षक हूँ, तो मैं तो आपसे प्रेरित हूँ कि योगी आदित्यनाथ सामने बैठे हैं और मैं योगी आदित्य जैन के रूप में हूँ यहाँ पर। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं सर शिक्षकों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज हमें यह सम्मान दिया है, इससे हम क्या सीख के ले जा रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षक होते हैं सर, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि शिक्षक के हाथों में सृजन और प्रलय का निर्माण होता है। तो हम इस दायित्व बोध से, इस गौरव बोध से भर कर जाएं कि हमें जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया जा रहा है। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तर्कशास्त्र का प्रवक्ता हूं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है सर, ये तर्क और तलवार की रही है, ये शस्त्र और शास्त्र की रही है, ये पुरुषार्थ और प्रार्थना की रही है, ये त्याग और तेजस्विता की रही है, और वही हम योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं और वही हमें स्वयं में भी देखना होगा। सर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक आभार सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और बधाई है। और अब मेरा विनम्र निवेदन है नव चयनित नायब तहसीलदारों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट। प्रीति सिंह, आप सुल्तानपुर से हैं नव नियुक्त चयनित नायब तहसीलदार, बधाई की पात्र हैं, शुभकामनाएं। कमलेंद्र प्रताप सिंह जी, महादेवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, शुभकामनाएं। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। प्रतिभा पाल, कल्याणपुर कानपुर नगर से। आपका उत्साहवर्धन करते रहिए, ये हमारे नव नियुक्त नायब तहसीलदार हैं। प्रतीक्षा मौर्य, जौनपुर से। अनुराग दुबे, कन्नौज उत्तर प्रदेश से। कौशल चौरसिया, अयोध्या उत्तर प्रदेश से।
वीरेंद्र कुमार इटावा उत्तर प्रदेश से, दिव्यांश शाही मणियाम लखनऊ से, आप सभी ढेर सारी बधाइयों के पात्र हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कीरत सेन दौराला मेरठ से, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अब राजकीय विद्यालयों के नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन पोस्टिंग होनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। और अब शिक्षा विभाग के चयनित प्रवक्ता विवेक मणि त्रिपाठी, बायोलॉजी विषय आपका है, पस्ती से हैं आप। विवेक मणि त्रिपाठी मंच पर। अशोक कुमार सिंह, विषय आपका इंग्लिश है, बहराइच से हैं, प्रवक्ता पद पर आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। राधिका देवी, विषय आपका संस्कृत, वाराणसी से। कुमारी सिंधु वाराणसी से, आपका विषय हिंदी है। साधना अग्रहरी, हिंदी विषय, फतेहपुर से। अंजनी कुमार मिश्र, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट, कानपुर से। मोहम्मद अख्तर, उर्दू विषय के प्रवक्ता, गोरखपुर से। आदित्य जैन, तर्क शास्त्र जिनका विषय, प्रयागराज से, प्रवक्ता। चंद्रजीत, बायोलॉजी आपका विषय, बलरामपुर से, सहायक अध्यापक के लिए आप चयनित हुए हैं और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अभिजीत मित्रा, मैथ्स आपका विषय, प्रयागराज से हैं आप। रत्नेश कुमार पटेल, सोशियोलॉजी आपका विषय है, बस्ती से हैं और प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति पत्र आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने आशीर्वचन और शुभकामनाओं से हम सबको सिंचित करने की कृपा करेंगे। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री मुकुल सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
राजस्व विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के नौ चयनित नायब तहसीलदार, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के चयनित सभी अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस एक पारदर्शी और ईमानदार चयन प्रक्रिया के उपरांत प्रदेश में राजस्व विभाग की नींव के रूप में कार्य करने वाले नायब तहसीलदारों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में मैं चयनित आप सभी सफल अभ्यर्थियों का हृदय से आप सबको बधाई देते हुए, आप सब अब शासन की व्यवस्था का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आज की इस प्रक्रिया में नायब तहसीलदारों के 57 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। 73 में से 57 ऐसे थे जिनके सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उन्हें नियुक्ति दिया जा रहा है। शेष जो अन्य लोग होंगे उनको जैसे ही उनकी सत्यापन की कार्रवाई पूरी होगी उनको भी नियुक्ति की प्रक्रिया को के साथ आगे जोड़ा जाएगा। और राजकीय महाविद्यालयों के 141 प्रवक्ता और 69 सहायक अध्यापकों को भी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। यह आप सबके लिए गौरव का क्षण होना चाहिए कि एक समय सीमा के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आप सभी का उसमें चयन हो गया। चयन में किसी प्रकार की सिफारिश, कोई लेन देन या किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव आपके साथ नहीं हुआ है। ये अपने आप में आज की उस प्रक्रिया में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की उस व्यवस्था के साथ जो 2017 के पहले एक चुनौती उत्तर प्रदेश के पास थी, उस चुनौती का के कालखंड के दौरान इतने साफ सुथरी प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर लागू करने में जो सफलता प्राप्त की है और उसका प्रतिफल आज आपका सफल यहाँ पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं सबसे पहले आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश के अंदर राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तहसील प्रशासन और आम जन के बीच एक कड़ी का काम नायब तहसीलदार करता है। खासतौर पर वहां पर विभिन्न प्रकार के जो एक आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनके नामांतरण की कार्रवाई को, पात्र व्यक्तियों के भूमि आवंटन, राजस्व देवों और अन्य देवों की वसूली का कार्य, खतौनी में अंश निर्धारण और उसमें होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन आदेशों में, जैसे अमल दरामद आदि के कार्यों को देखने का कार्य, जन सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों का लेखपालों राजस्व निरीक्षकों से जांच कराकर उसके निस्तारण की कार्रवाई को संपन्न करना, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाने का कार्य करना, किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा में पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही वहां पर राहत कार्यों का नेतृत्व और उसका पर्यवेक्षण करना, पंचायतनामा, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को दर्ज करने का कार्य, त्योहारों के समय शांति व्यवस्था कायम रखने में एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के रूप में कार्य करना, उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने का कार्य, निर्वाचन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ ही जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों से प्राप्त प्रकरणों की जांच और उसका पर्यवेक्षण का कार्य, और उच्चाधिकारियों के द्वारा सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन, यह नायब तहसीलदार के स्तर पर संपन्न होते हैं। यानी इतना महत्वपूर्ण कार्य
आपके स्तर पर संपन्न होने का मतलब आप भारत की व्यवस्था का और खासतौर पर राजस्व की व्यवस्था से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैंने इस बात को देखा है कि विवाद के लगभग 60% मामले राजस्व से जुड़े हुए होते हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में तो ये और भी ज्यादा समस्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए देश के अंदर एक व्यवस्था लागू की और उस व्यवस्था में उन्हें स्वामित्व योजना पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस योजना का लाभ उन सभी लोगों को अगर ईमानदारी के साथ उस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे कि ज्यादातर आवास ग्राम सभा की भूमि पर बने होते हैं, किसी व्यक्ति का मालिकाना हक उस पर नहीं होता है, उसका नाम से वो भूमि दर्ज नहीं होती है। अगर किसी गरीब का मकान किसी ऐसी भूमि पर कभी क्षतिग्रस्त हो गया और वो दोबारा मकान बनाना चाहता था या बनाना चाहता है तो दबंग लोग उसे मकान नहीं बनाने देते थे और फिर वहीं से विवाद खड़ा होता था, फिर उसी में मारपीट होती थी, फिर हिंसा होती थी, तमाम प्रकार की हत्याएं भी इस प्रकार के मामलों में देखने को मिलती थी। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तकनीक का उपयोग करवाते हुए और पूरे देश के अंदर एक योजना लागू की और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत जिसमें जिस व्यक्ति का जहां पर आवास है वह जमीन भले ही उनके नाम पर न हो लेकिन उस जमीन का मालिकाना का अधिकार उस परिवार को प्राप्त हो सके, इससे संबंधित समस्या के समाधान करने के लिए प्रदेश ने अब जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है और इस कार्रवाई के बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में 16,267 ग्राम पंचायतों के 24,19,889 ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरोनी हम लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध करवाई है जिनके नाम से कभी अपने मकान की जमीन नहीं थी, उस जमीन को उनके नाम पर करवाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम लोगों ने 2,00,000 ऐसे परिवारों को इस आवासीय अभिलेख उनको उपलब्ध करवाने की एक बड़ी कार्रवाई को संपन्न किया है। प्रदेश में अब तक हम 24,00,000 से अधिक परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें हम ड्रोन सर्वे करवाते हैं और ड्रोन से एक एक घर का सर्वे करने के बाद फिर गांव की खुली बैठक होती है, खुली बैठक में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा होता है, और फिर गांव की समस्या का जड़ से समाधान का रास्ता और जड़ से समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ सरकार ने जब इस प्रक्रिया को जोड़ा है आज उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस दौरान 64,366 हेक्टेयर भूमि से जो अवैध अतिक्रमण थी भूमाफियाओं से इस प्रकार की भूमि को मुक्त करवाने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर की है और ये जो अतिक्रमण से मुक्त भूमि है ये प्रदेश का एक लैंड बैंक बना है। लैंड बैंक का मतलब अब इसी भूमि पर सरकार अपना वहां पर उद्योग लगा सकती है, स्कूल बना सकती है, वहां पर तमाम प्रकार के अपने कार्यक्रम बना सकती है। न केवल लोगों की सुविधा के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना बल्कि निवेश को आमंत्रित करने हमने डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम इस प्रकार की भूमि पर स्थापित किए हैं और यह कार्यक्रम हमारा युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। या जिन पात्र लोगों के जिन गरीबों के पास अपना कोई मकान नहीं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं उनको भी इस प्रकार की भूमि आवंटित कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे इस प्रकार के लोगों को कैसे सुविधा मिलती है। अभी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1919 यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था मेरठ में रह रहे थे लोग दशकों से रह रहे थे लेकिन उनको अब तक
आवास के टुकड़े वहां पर नहीं मिल पाए थे। ऐसे 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हम लोगों ने कानपुर देहात में प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवा करके उन सबको मुख्यमंत्री आवास योजना से एक एक आवास भी वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य संपन्न किया है। यानी आप देख सकते हैं कि सरकार की दृष्टि हरेक उस व्यक्ति तक है जिस व्यक्ति को अब तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था। और इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उनको 1,20,000 रुपए प्रति परिवार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जमीन 200 वर्ग गज की जमीन उनको फ्री में उपलब्ध करवाई गई है और 2-2 एकड़ भूमि भी उनको पट्टा के रूप में उन परिवारों को आवंटित करके इस कार्रवाई को संपन्न किया गया है। इस दौरान प्रदेश ने तमाम अन्य उपलब्धियां भी हासिल की है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित जो मामले थे उन राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया और प्रदेश के अंदर 21,67,815 वादों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का कार्य राजस्व विभाग ने इस दौरान प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसे मामले जो IGRS पोर्टल पे मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पे जो तमाम प्रकार की शिकायतें आती थी उन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। अकेले वर्ष 2021 के दौरान हमारे पास कुल शिकायतें आई थी 3,34,621 जिसमें से 3,31,040 का अब तक सफलतापूर्वक निस्तारण एक वर्ष के अंदर ही किया गया। यानी उस वर्ष के अंदर ही शिकायत आई उस समस्या का समाधान भी हम लोगों में 99% अधिक समस्या के निस्तारण की कार्रवाई राजस्व विभाग के स्तर पर उन सभी कार्रवाई को प्रदेश के अंदर संपन्न करने की कार्रवाई भी संपन्न की गई। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तमाम ऐसे कार्य किए खासतौर पर जैसे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक कानून को हैं इन सबको स्मार्टफोन दे करके तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए आम जन की समस्या का समाधान का रास्ता निकालना और इस प्रक्रिया को भी प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया गया है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 1,09,092 जो राजस्व गांव हैं उनमें से 86,214 राजस्व गांवों के जो भू मानचित्र हैं उनको डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक किया जा चुका है। यानी अब उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता और हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी प्रकार के राजस्व आंकड़ों को पूरी तरह हम डिजिटाइज कर सकें जिससे जो रजिस्ट्री आदि के नाम पर तमाम प्रकार से खिलवाड़ होता है और एक गरीब का पैसा मारा जाता है इस प्रक्रिया को हम पूरी पारदर्शी तरीके से समाप्त करके हरेक उन नागरिकों का समाधान करेंगे जो एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन जहां एक और राजस्व विभाग ने इस दौरान अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है वहीं साथ ही साथ राजस्व विभाग से स्वयं की जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने में भी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कार्य किया। खासतौर पर 297 तहसीलदार को उप जिलाधिकारी के रूप में प्रमोशन देने का कार्य भी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। 333 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का काम भी सरकार ने किया है। यानी नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार बन सके समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे चले इन कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। इसके अलावा 5,759 कर्मचारियों को राजस्व निरीक्षक के रूप में भी प्रमोशन देने का कार्य सरकार ने किया है और प्रदेश के अंदर 556 कनिष्क सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी प्रदेश ने इस दौरान सफलतापूर्वक संपन्न करने का कार्य किया है और वर्तमान में 8,000 से अधिक राजस्व लेखपालों की चयन की प्रक्रिया को भी सरकार ने आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया है तो 512 मृतक जो कार्मिक थे उनके आश्रितों को भी
प्रदेश के अंदर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का कार्य राजस्व विभाग में प्रदेश सरकार ने अब तक संपन्न किया है। यानी राजस्व विभाग तेजी के साथ एक आम जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वह भी एक उदाहरण आपके सामने है। और नायब तहसीलदारों के चयन की प्रक्रिया भी उसका एक दूसरा उदाहरण है कि एक तरफ हम चयन की प्रक्रिया कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रमोशन की कार्रवाई को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। ये दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ चलती है तो तब प्रदेश के अंदर एक आम जन को न्याय केवल बोलने से नहीं बल्कि जमीनी धरातल पर भी दिखाई देता है, और उस प्रक्रिया को सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की इस प्रक्रिया को संपन्न करके आज उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, शिक्षा विभाग